प्रदेश में तापमान बढ़ने के साथ ही धर्मशाला वन सर्कल में अधिकतर जंगल धूं धूं करके जलने लगे हैं। क्षेत्र के वन क्षेत्र जहां कुछ दिन पहले तक हरियाली नजर आती थी, आज वहां धरती काली और पेड़ सूखे नजर आते हैं। धर्मशाला वन सर्कल में पालमपुर, नूरपुर और धर्मशाला उपमंडल क्षेत्र के अधिकतर स्थानों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। धर्मशाला वन सर्कल के अरण्यपाल डीआर कौशल ने बताया कि धर्मशाला वन सर्कल में अभी तक 461 स्थानों पर आग लगने के मामले सामने आए हैं और उसे धर्मशाला वन सर्कल को 26,41,126 रुपए का मोटे तौर पर नुकसान हुआ है। मई माह में सूर्यदेव के प्रचंड होते ही आग लगने की घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जानमाल का भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि चंबावृत में पिछले दिनों उनके विभाग के डिप्टी रेंजर अशोक कुमार की दुर्भाग्यवश आग बुझाते मृत्यु हो गई और पिछले कल ही देहरा उपमंडल में एक युवक की आग बुझाते समय मृत्यु हो गई। डीआर कौशल ने कहा कि जितनी भी आग लगने की घटनाएं हुई हैं वे प्राकृतिक नहीं हैं, ये मैन मेड फायर है। उन्होंने कहा कि लोग ऐसा ना करें और जहां कहीं भी आग लगने की घटना कोई देखता है तो कृपया करके वन विभाग को जल्द सूचित करें। आजकल हमारे पूरे प्रदेश में आप देखें तो काफी ड्रॉट चला हुआ है, ड्राई डेज चले हुए हैं और बहुत ज्यादा जो फायर की घटना जो हमारे जंगलों में हो रही है। दुखद पार्ट ये है कि इन घटनाओं में हमारे स्टाफ का भी जानी मानी नुकसान हुआ है। जो आप चंबा की बात करें तो डिप्टी रेंजर अशोक कुमार पिछले दिन दुखद घटना हुई है, उसकी मृत्यु हो गई है और साथ में एक देहरा में भी एक नवयुवक की जो है दुखद मृत्यु हुई है आग बुझाते हुए। तो हमारे अगर धर्मशाला की बात करें तो पिछले कल तक हमारे पास जो है 461 केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें 26,41,136 का जो नुकसान हुआ है। ये नुकसान को दोबारा भी हम रीवैल्यूएट करते हैं जो कि बरसात में जब फॉरेस्ट रिजुविनेट हो जाते हैं तो दोबारा से ये वैल्यू असेस करते हैं जो कि कम भी हो जाती है। मेरा विनम्र निवेदन है लोगों से कि कृपया ये जो इंटेंशनल फायर है, क्योंकि जितनी भी यहां हमारे पास 461 धर्मशाला में जो फायर केसेज हो उसमें 98% जो है मैन मेड इंटेंशनल फायर है। लोग खुद जाकर के अपने आप जंगलों में आग लगा रहे हैं जो कि बहुत दुखद विषय है। इसमें एक तरफ जहां करोड़ों की वन संपदा फ्लोरा फौना राख हो रहा है और जान माल का भी साथ साथ में नुकसान हो रहा है। तो कृपया जहां भी ऐसी स्थिति होती है, जंगलों में आग दिखती है, तुरंत हमारे कंट्रोल रूम को सूचित करें ताकि हम हमारी जो टास्क फोर्स है मौके पर पहुंचे। और विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि लोगों का भी हमें जो काफी सहयोग मिल रहा है जिसके लिए मैं आम लोगों का और बाकी संस्थाओं का भी धन्यवादी हूँ। कृपया जंगलों को बचाने के लिए, जान माल का नुकसान जो रोकने के लिए इस महत्वपूर्ण काम में आगे आए ताकि हम जो इसकी वन संपदा का जो प्रदेश की वन संपदा को बचा सकें। धन्यवाद।